गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, शेयर मार्केट की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। स्क्रीन से आपको दिख रहा होगा, आज हम बात करेंगे यस बैंक के बारे में। यस बैंक में खबरों का सिलसिला बना हुआ है और इंसिडेंट के इंसिडेंट लगे हुए हैं अभी। तो मैं पिछले 2-3 दिनों से लगातार इसके वीडियो बना रहा हूँ, तो आज एक वीडियो की नई सीरीज है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे अभी करंट प्राइस पे, प्राइस एक्शन पे, और फिर चलेंगे आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, उसके दम पे क्या मार्केट में चल रहा है यस बैंक के बारे में, तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे इस तरह की आपको अच्छी वीडियो मिलती रहे। तो अभी हम थोड़ा सा करंट प्राइस पर चलते हैं कि क्या चल रहा है। सी, आप ये देख रहे हैं 16 रुपये 65 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। अभी मॉर्निंग में 9:36 हुए हैं, मतलब 15 मिनट हुए हैं मार्केट को खुले हुए। ठीक है, ये हाई बनाया 16 रुपये 80 पैसे का। और अगर आपको मालूम हो कि ये चौथा लगातार दिन है, फोर्थ कंसेक्यूटिव सेशन, जिसमें यस बैंक अप है, ग्रीन में है, मीन्स गेन किया है। ठीक है, अब इसके पीछे की न्यूज क्या है कि ये क्यों लगातार चौथे दिन जो है गेन किया है, पॉजिटिव है और ग्रीन में है। दोस्तों, तो इसके पीछे जाना पड़ेगा। मैंने आपको 2-3 दिन पहले वीडियो बनाया था कि इसका फंड रेजिंग की बात चल रही थी और इसका पॉसिबली जो हो सकता है वो QIP आने की बात हो सकती थी। QIP क्या होता है? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। ये वन ऑफ द मीडियम होता है फंड रेजिंग का। अगर आप नहीं मालूम हो तो थोड़ा सा 2-3 दिन पहले का वीडियो है मेरा, उस पर जाके देख लीजिएगा ये वीडियो है। तो दोस्तों, फिर इसमें देखते हैं कि ये जो फंड रेजिंग होने जा रही है उसके दम पे मार्केट को कुछ क्ल्यू लग चुका है कि किस मोड के थ्रू फंड रेजिंग होने जा रही है, और वो चीज मार्केट डिस्काउंट कर चुका है। ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटी बन रही है इसके फंड रेजिंग होने की, जिसके थ्रू ये मार्केट में अभी जो है चौथे दिन लगातार पॉजिटिव गेन किया हुआ है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि कुछ बिगीज है, मार्केट के बिगीज होते हैं, ठीक है, मे भी उनको ये पता चल चुका है कि कुछ QIP के द्वारा ये फंड रेजिंग होने जा रही है, और QIP का प्राइस समवेयर अराउंड 16 रुपये 16 रुपये 10 पैसे के अराउंड होने वाला है। ठीक है, तो मार्केट, और चूंकि QIP के द्वारा होने वाला है तो ये डर लगभग खत्म होने वाला है कि FPO या फिर राइट इशू ऐसा करके आया कि बहुत ज्यादा ह्यूज इक्विटी डिल्यूशन होगा, और अब पूरा 10,000 करोड़ रुपए एक ही ट्रांचेज में फंड जो है यूज नहीं किया जाएगा, रेज नहीं किया जाएगा। समथिंग 2,000 करोड़, 1,500 करोड़, 2,500 करोड़ ऐसे ही रेज किया जाएगा, जिससे इक्विटी का डिल्यूशन कम होगा। तो बड़े बड़े बिगीज को मालूम चल गया है लगभग, जहां तक मुझे लगता है, और इसलिए शेयर प्राइस जो है पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है। मीन लगातार चौथे दिन ये पॉजिटिवली रिएक्ट किया है, ग्रीन में है, गेन किया है। ठीक है, पहली थियरी ये है कि मे बी सम बिगीज मे नो दैट व्हाट माइट बी द पॉसिबिलिटी ऑफ द फंड रेजिंग व्हिच मोड, इट इज द फर्स्ट क्ल्यू। सेकेंड क्ल्यू है दोस्तों कि मैनेजमेंट में भी आल्सो चाह रहा है कि प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाए, और जिससे कि इनका QIP का प्राइस है वो भी ऊपर शिफ्ट करे। मीन्स आपको मालूम होगा, मैंने आपको बताया है कि QIP का जो प्राइस होता है किसी भी शेयर का, जो भी फंड रेजिंग होती है, तो अगर वो QIP के द्वारा फंड रेज करने जा रहा है तो किस प्राइस पे QIP रेज होगा, ये 2 वीक, पिछले 2 वीक का एवरेज प्राइस होता है। जिस दिन से फंड रेज किया जाए, सपोज आज के दिन फंड रेज किया जाएगा QIP से, आज 5 मार्च, तो लगभग 20 तारीख, 20 जुलाई, 20 फरवरी से अभी तक 5 मार्च तक यस बैंक का जो भी एवरेज प्राइस होगा उसके द्वारा जो है फंड रेज किया जाएगा। तो इससे जितना ऊपर जाएगा अभी प्राइस, उतना ही QIP का प्राइस भी, एवरेज प्राइस भी ऊपर जाएगा। ठीक है, तो एक दूसरा थियरी ये है कि मैनेजमेंट भी समवेयर चाह रहा है कि ऊपर प्राइस जाए। ठीक है, अभी देख रहे हैं आपके देखते देखते 16 रुपये 70 पैसे पे चला गया है। तो दूसरी थियरी ये है, और मार्केट को ये लग चुका है कि ये प्राइस अच्छे प्राइस पे होने जा रहा है फंडे, इसलिए मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट कर रहा है, तो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। मे बी आज 17 रुपये भी टच कर जाएगा, 17 रुपये जिस हिसाब से जा रहा है। अब 2-4 दिनों में, एक दिन में कभी भी बोर्ड मीटिंग हो सकती है और फंड रेजिंग का फैसला हो सकता है। सो दो थियरी थी दोस्तों ये, ठीक है, फंड रेजिंग की। पहला बिगीज मे नो दैट QIP हो सकता है 16 रुपये 16 रुपये 10 पैसे पे, इसलिए जो है शेयर प्राइस और ऊपर की तरफ जा रहा है। दूसरा, मैनेजमेंट भी समवेयर पुशिंग कुछ जान रहा है कि ये जो है पैसा QIP का प्राइस, जितना ही शेयर ऊपर जाएगा QIP का प्राइस भी ऊपर जाएगा, एज पर द रूल ऑफ 2 डेज 2 वीक एवरेज प्राइस, इसलिए वहां से भी उनके लिए, बैंक के लिए भी अच्छा है, ठीक है, ऊपर जाए तो कम इक्विटी में जो है ज्यादा पैसा रेज हो जाएगा। तो दो थियरी थी, आप नजर बना के रखिएगा। और रही बात प्राइस की बात, तो मे बी 16 रुपये 70 पैसे पर आज ट्रेड करा है दोस्तों, 16 रुपये 80 पैसे आज का हाई है, 16 रुपये 90 पैसे, ठीक है, ओपन हुआ 16 रुपये 60 पैसे, हाई बनाया है 16 रुपये 90 पैसे का, लो बनाया 16 रुपये 50 पैसे का। ठीक है, अभी देखते हैं ये
चल रहा है 16 रुपये 70 पैसे करेंट प्राइस है। इस नज़र बना के रखिएगा, आज की डेट में 70 रुपये 70 रुपये 10 पैसे 20 पैसे तक जा सकता है। इसे नज़र बना के रखिएगा। मेन न्यूज़ इसकी यही है फंड रेजिंग वाली, किस मोड़ के अंदर फंड रेजिंग होगी। चौथे दिन लगातार ये गेन किया हुआ है, बिल्कुल हलचल बनी हुई है। और इसे नज़र बना के रखिएगा कहीं कुछ अच्छी पॉजिटिव न्यूज आ जाए, QIP प्राइस आ जाए और सीधा अपर सर्किट 20% मारेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, 20 रुपये में जाके बैठ जाएगा, फिर आप खरीद नहीं पाएंगे। तो इस पर बिल्कुल की बिल्कुल नज़र बना के रखिए। और सबसे चीज़ ये कीजिए नज़र बनाने के लिए कि सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, क्या चल रहा है। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नए वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए, जिससे इस तरह की आपको अच्छी वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के